आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, ये ब्लॉग डालने में मुझे लेट हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी जन्माष्टमी की रात से ही और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इसलिए थोड़ा लेट से आया, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। आज है जन्माष्टमी और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज का दिन बहुत ही बिज़ी रहने वाला है, बहुत ही बिज़ी शेड्यूल है। मैं नहा गई हूँ और लगभग सारे काम हो ही गए हैं, जल्दी उठ गए थे तो इसलिए व्रत भी है आज जन्माष्टमी का, तो हमने सारे काम निपटा दिए हैं फटाफट से। और बच्चों की तो आज छुट्टी नहीं है क्योंकि बच्चों की छुट्टी 7 तारीख की गई है और हम आज व्रत 6 तारीख को कर रहे हैं, तो बच्चों की छुट्टी कल की रहेगी। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और छोटा वाला बेटा मेरा घर में है क्योंकि उसका आज रिज़ल्ट है, तो उसकी छुट्टी है। और लगभग सारे काम हो गए हैं, मम्मी नहला रही हैं भगवान जी को। शुरुआत करते हैं यहीं से अपने लड्डू गोपाल से, मंदिर साफ करके, और लड्डू गोपाल जी का स्नान चल रहा है और दिन की शुरुआत जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे ही चलेंगे। तो यहाँ पे कर दिए हैं मम्मी ने लड्डू गोपाल नहला के बिल्कुल रेडी, और मेरे बेटे ने पकड़ रखे हैं हाथ पे क्योंकि उसको बड़ा मन हो रहा था लड्डू गोपाल को हाथ पे पकड़ने का, तो मम्मी ने दिया है उसे थोड़ी देर, बड़ा खुश हो रहा है हाथ में पकड़ के अपने। हमारी हो गई है पूजा आज जन्माष्टमी की मॉर्निंग की पूजा, और अब हम जा रहे हैं एम्स। अब आपको दिखाएंगे एम्स से सही है ना स्कूल तो इतना बीमार रहता है कि 10 चक्कर तो चले जाते हैं ना महीने के एम्स में। हाँ। इतने चले जाते हैं। हाँ, ये देखो ये क्यूट सा बच्चा। हाँ। पहले इसके स्कूल जाना है इसका रिजल्ट देखने के लिए, और फिर हमने जाना है एम्स। इसके चक्कर में बहुत एम्स जाना पड़ता है ना। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 7:30, शाम का समय है और आज जन्माष्टमी का व्रत है, तो मैं बना रही हूँ भगवान जी का भोग में लगभग बना दिया है, बस लास्ट हलवा बनना बाकी है और पूड़ियाँ निकालनी बाकी हैं, तो ये मैंने बना सूची बोल रही हूँ अभी हलवे के लिए। ये देखिए बस अब हलवा रेडी करना रह गया है, और बनाई है मैंने राजमा की दाल। देखिए राजमा की दाल बनाई है, और बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्जी। ना मेरा हलवा भी रेडी हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। आज सारे दिन व्रत था, मैं पूरे दिन बेटे को लेके एम्स जा रखी थी क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत थोड़ा ख़राब रहती है, तो उसका एम्स से इलाज चल रहा है। तो हम दिन भर आज पूरा दिन स्पेंड हो गया हमारा एम्स में ही, और मैं शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास घर पहुँची हूँ। बहुत थक लग रखी है, अभी पूरे दिन व्रत था और व्रत में हमारा पूरा दिन आज एम्स में चला गया। लेकिन एक ख़ास बात होती है व्रत की कि जिस दिन व्रत रखो उस दिन भूख नहीं लगती, ऐसा पता नहीं क्यों होता है, और दिन जब हम घर पर रहते हैं सारे दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन तो बिल्कुल भूख लगती नहीं है। पता नहीं भगवान की क्या ऐसी कृपा हो जाती है कि उस दिन भूख ही नहीं लगती। तो मेरा हलवा भी रेडी है, तो
अभी आप देख सकते हो खाना बनाते बनाते मेरा पूरा का पूरा किचन एकदम फैल गया है। करना है ये सारे बर्तन धोने के लिए हैं। मैंने बनाया आज भोग प्रसाद में हलवा, पूरी, राजमा की दाल, आलू गोभी की सब्जी, फ्रूट। बस अब चलते हैं खाना जी को भोग लगाने। तो अभी आए हैं हम बगल में पड़ोस वाली आंटी के यहाँ कीर्तन पे, और देखना इन्होंने कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। और थोड़ी देर यहाँ पे कीर्तन करके फिर चलेंगे मंदिर में कीर्तन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन के साथ कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
से हस्बैंड जी को थोड़ा सा लगने लग गया था कि उनको पेन हो रहा है। फिर रात को गए हम लोग मंदिर। मंदिर में हो रहा था कीर्तन और देखे छोटे छोटे बच्चे तैयार होके आ रखे हैं। और रात पूरा 12 बजे तक जन्मदिवस तक ये कीर्तन चला। बहुत ही सुंदर लग रहा था जन्माष्टमी का त्यौहार। ये छोटी सी बारबी डॉल जैसी बिटिया थी वहाँ पे, जो बार बार कैमरे को देख के कैमरे की तरफ देखे जा रही थी। उसे पता था कि ये कुछ कर रहे हैं, तो बस उसका ध्यान सारा का सारा इधर ही था। बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम लोग आ गए थे मंदिर से घर, और मंदिर से घर आने के बाद हमने पूजा कर ली है, आरती कर ली है, और अभी भी नींद भी नहीं आ रही है। जबकि आज पूरा दिन एम्स में बीता, बहुत थकान हो रखी थी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि नींद आ रही है, कुछ हो रहा है या भूख लग रही है। अभी भी भूख नहीं लग रही है। रात के 12 बज गए हैं, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। 12 बजे तो हमने आरती की थी, और मंदिर में आपको दिखाऊँ इतना सुंदर लग रहा है। दोनों लड्डू गोपाल जी मैंने तैयार करके रख दिए हैं, इतना सुंदर लुक आ रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, देखिए दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। एक लड्डू गोपाल जी का पर्पल ड्रेसअप है और एक लड्डू गोपाल जी का पिंक है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोनों। और ये हमारा छोटा सा मंदिर। तो ये हमारा शैडो भी वेट कर रहा है सोने की, क्योंकि हम लोग नहीं सो रहे हैं तो वो भी जगा हुआ। शैडो शैडो शैडो, नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है नींद? क्या हुआ, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। घूमने चलना है अभी, है शैडो? घूमने चलना? अरे मेरा लड्डू, मेरे लड्डू को घूमने चलना है। अरे मेरा बच्चा, अभी चलेंगे घूमने। ठीक है ठीक है,
हाय बोल दो। हम लोगों के साथ वेट कर रहा था हम लोगों के खाने पीने का, और अब चलते हैं खाना खुना खाते हैं सोते हैं, फिर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बिजी रहा दिन में, तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, दिन भर का दिन बहुत बिजी था आज का, लेकिन शाम थोड़ी अच्छी हुई, जन्माष्टमी थी, व्रत था, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्द, और बहुत जल्दी आपको मैं और सारी जगहों का दिखाऊंगी कहाँ कहाँ किस तरीके से मनाई गई। हमारी तो बहुत अच्छी रही, व्रत बहुत अच्छा रहा, और बच्चे भी देखो 12 बज गए हैं, 1 बजने वाला है, अभी तक जगे हुए हैं। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट जरूर करके बताएं अच्छी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।